रोजगार जीएसके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में, जो कि जारी की गई है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन का टैब मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, 12 जून 2024 से ऑनलाइन स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट 11 जुलाई 2024 रहने वाली है। यहाँ पे देखिए आपको वर्क यूनिट का नेम देखने को मिलेगा और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 1104 पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज आपको नंबर ऑफ वैकेंसी और ट्रेनिंग पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। नीचे आप आएंगे, यहाँ से जो कि आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया भी देखने को मिल जाएगा। मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल एज रहने वाली है। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पे आते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टैब मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो कि ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोटिस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वर्क यूनिट और उसके बाद कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी जो कि कैटेगराइज कर दिया गया है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको आई हैव रीड वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करना है, प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ट्रेड, तो जिस भी ट्रेड से आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको देखिए मल्टीपल ट्रेड देखने को मिल जाएंगे, तो अपने ट्रेड को इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट का टैब मिलेगा, आप उसको जो क्लिक कर देंगे। आर यू पीडब्ल्यूडी, देखिए इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल फिल करना है। अगर आप दिव्यांग है, उस केस में आप यस करेंगे, दिव्यांगता आपकी 40% से अबव है, ज्यादा है तो यहाँ पे जो कि आप यस कर देंगे। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टैब मिलेगा, आप जो कि इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे, हमारा देखिए एप्लीकेशन पेज जो कि ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको फिल करनी है। कैंडिडेट नेम, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपना जो कि यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे। यहाँ पे फादर नेम जो कि आप फिल कर देंगे, मदर नेम की एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, जेंडर बताएंगे मेल या फीमेल आप उसे जो कि सिलेक्ट करेंगे। अपना देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पे जो कि ईमेल आईडी को फिल करके कन्फर्म करेंगे। रिलीजियन आपका कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बौद्धिज्म है, तो आप इसे जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका आधार कार्ड नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर को यहाँ पे जो कि कंफर्म करेंगे। कम्युनिटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है इस तरीके से जो कि आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ जो कि फिल करना है, पहले आप डेट की एंट्री करेंगे, इसको आप मंथ की एंट्री करेंगे, ईयर की एंट्री आप यहां से जो कि कर देंगे। उसके बाद अगर आप जो कि आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग, अगर इसमें से है कोई ऑप्शन जैसे चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस में है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, या चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं इसमें से तो नन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देंगे। अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नेम जो कि आप यहाँ पे फिल कर देंगे। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन डिटेल फिल करना है। एड्रेस लाइन फर्स्ट में जो अपना विलेज फिल कर सकते हैं, उसके बाद देखिए पोस्ट एंट्री कर सकते हैं, सिटी, टाउन या विलेज का नेम आप यहाँ फिल करते हैं, स्टेट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं अपने स्टेट का नेम जो कि आप इस लिस्ट के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए पिन कोड की एंट्री कर देंगे। अगर आपका जो कि कम्युनिकेशन और जो कि परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसे चेक मार्क कर दीजिए, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। अगर आप अलग अलग फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लास 10th की डिटेल देखिए आपको यहाँ फिल करना है, उसके बाद क्लास 10th का जो कि रोल नंबर आप जो कि फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स का आपके बोर्ड का नेम, तो इस लिस्ट में आपको आपके बोर्ड का नेम जो कि देखने को मिल जाएगा, अपने बोर्ड का नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे उसकी एंट्री करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे उसे फिल करेंगे, तो आपको परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। पासिंग ऑफ ईयर, कब आपने अपना क्लास 10th पास किया था उसका ईयर जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए आरटीआई की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पे जो कि आप सर्टिफिकेट नंबर जो कि आप फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम आप यहाँ फिल कर देंगे, कब आपने अपना आरटीआई कंप्लीट किया था उसका ईयर जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्टेन मार्क्स आपके कितने प्राप्त हुए थे और टोटल मार्क्स कितने थे, तो आपका यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो कि कैलकुलेट हो जाएगा। डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे, कैप्चर कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसे जो कि फिल करेंगे, कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन देखिए कंप्लीट हो चुका है, हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी प्राप्त हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ फिल करेंगे, पासवर्ड की एंट्री आप यहाँ फिल करेंगे, लॉगिन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म देखिए लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे जो कि नॉट फुली रजिस्टर्ड आपको यहाँ पे शो होगा, तो हमें जो कि प्रोफाइल को जो कि कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट पेज पे आपको देखिए यूनिट प्रेफरेंस देना है, तो यहाँ पे आपको 9 प्रेफरेंस जो कि देना है, आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से जो कि सारे प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। सारे प्रेफरेंस को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का टैब देखने को मिलेगा, जो कि आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो हमने देखिए सारा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे, ओके वाले टैब पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपका फोटो देखिए कलर रहना चाहिए, फेस बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, फोटो का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं JPG PNG फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं। वहीं सिग्नेचर की बात करेंगे जो कि मोर देन 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, JPG PNG फाइल में रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं वो 5 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आएंगे, उस फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटोग्राफ आप अपलोड कर लेंगे, उस फाइल पर क्लिक करके आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। क्लास 10th की आपको यहाँ पे मार्कशीट देखिए अपलोड करना है, उस फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे। RTI का देखिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उस फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कि सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आप अगर SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या PWD TWS या एक्स सर्विसमैन है, तो आप यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है कम्प्लीट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म देखिए कम्प्लीट हो चुका है, हमने देखिए OBC कैटेगरी से फॉर्म को लिए आवेदन किया है। इस केस में हमें जो कि फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे फाइनल प्रिंट प्राप्त हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं जमा करना है। अगर वहीं आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस पेमेंट करना होगा। पे नाउ का आपको टैब यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए मल्टीपल पेमेंट गेटवे पेज आपको देखने को मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्ट के माध्यम से आप जो कि पेमेंट कर सकते हैं। तो हम देखिए ATM कार्ड के माध्यम से करेंगे, यहाँ पे अपना कार्ड नंबर फिल करेंगे, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायर डेट, CV नंबर, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP प्राप्त हो जाएगा। OTP फिल करके आप जो कि अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट प्राप्त हो जाएगा, इसे आप सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।